Hey beautiful, यहाँ कोई बैठा हुआ है क्या? गीली है ये। बढ़िया, गीली सीट पर बैठना मुझे बहुत पसंद है। मैं हूँ डस्टिन, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमने अपनी पैंट मेरा नाम पूछने के लिए गीली की है? नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक कॉफी लेना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। यहाँ क्या हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा पानी गिर गया था। आप 2 कप कॉफी ले आएंगे प्लीज? ओके सर। मुझे जाना है। अरे रुको, तुम कॉफी नहीं पी के जाओगी? कब? जब भी तुम चाहो। ओके। मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा तुम्हें। बाय द वे, मेरा नाम है क्लोई, तो कल पिए कॉफी, क्या कहते हो? हाँ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके, ग्रेट। Well, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और अच्छे रेफरेंसेस भी, इन्हीं सब की तो मुझे ज़रूरत है। और अगर तुम्हें कुछ पूछना नहीं है और तुम हर चीज़ से खुश हो तो ड्राइवर की नौकरी तुम्हारी। ओह, थैंक यू। मैं ये खुशी से करना चाहूँगा। बताइए, मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? मैंने बताया नहीं? मेरी गलती, आज से ही। बढ़िया, मैं आपका गाड़ी के पास इंतज़ार करता हूँ। ओह नहीं 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 नहीं, मेरे लिए नहीं। तुम मेरी बेटी के ड्राइवर हो गए। उसे थोड़ी देर में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है। क्लोई। जी? स्वीटी, जरा यहां तो आओ। आ रही हूं। मैं तैयार हूं। स्वीटी, मिलो अपने नए ड्राइवर से। हाय। हेलो, मैं हूँ डस्टिन। हेलो, अच्छा लगा मिलकर। क्या हम जाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ग्रेट। एक्सक्यूज मी। जी। कुछ भूल रहे हो तुम। हाँ, उसका ध्यान रखना। बिल्कुल। शायद मुझे ये बता देना चाहिए था कि हम कुछ हफ्ते पहले मिले थे। मैं गीली कुर्सी पर बैठा था। हाँ, मुझे याद है। देखो, बात यह है कि मैं कॉल करना चाहता था, लेकिन मैं कुछ चीजें। झूठ मत बोलो, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। काश मैंने तुम्हारा नंबर नहीं खोया होता। खोया? कितने बड़े झूठे हो तुम। तुमने नंबर को पानी में गिरा दिया था। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो मेरा नहीं था, वो नंबर पिज्जा प्लेस का था, सभी को वही देती हूँ। पिज्जा प्लेस? तुम पिज्जा प्लेस का नंबर क्यों? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ इंतजार करके, हर बार यही होता है। पहुंच गए हम। अपने हाथ पीछे ही रखो। तुम्हें ड्राइवर के काम के लिए रखा गया है, ना कि लोडर के। छह बजे आ जाना। ठीक है। शुक्रिया। ये क्या है? अरे मैं कुछ आइसक्रीम लाया था आपके लिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि ये इस तरह से। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसे साफ कर दूंगा, पक्का। मुझे नट्स वाली पसंद है। क्या? आगे से ध्यान रखना। बढ़िया। Okay, मैं तैयार हूँ। रेडी किस चीज के लिए? शिकायतें सुनने के लिए तुम्हारे नए ड्राइवर की। कम ऑन, बोलो, बताओ इस ड्राइवर में क्या कमी है? ठीक है, ये चेंज मत करिए इसको। बड़ी ही अजीब बात है, मैं सच में बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये सही लगा। तो एंथनी, तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं? डॉग्स की ब्रीडिंग। वेल, वो बड़े वाले डॉग्स जिनके लंबे बाल होते हैं। वैसे एक बात बताऊं, पिछले महीने हमारे पास 10 नए पपीज आए हैं। वाओ, 10 नए पपीज, क्या बात है। मैं बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको वक्त पर पहुँचना है तो हमें अभी चलना होगा। हाँ डस्टिन, हमारी बातचीत हो चुकी है। हनी, तुम एंथनी के प्रपोजल के बारे में सोच लेना और फिर मुझे बता देना। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं तैयार हूँ, मैं करूंगी इनसे शादी। वाओ, इतनी जल्दी? तो फिर क्या हम दोनों परिवार कल मिलने और वेडिंग प्लान्स के बारे में बात कर लें? ग्रेट, मैं अपने पेरेंट्स को बता देता हूँ। तो कल मिलते हैं। हाँ हाँ, मिलते हैं कल। तो अब चले हम? हाँ हाँ। हालांकि इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम उससे शादी कर क्यों रही हो? मतलब जाहिर है तुम उसे पसंद नहीं करती। हाँ, तुमने ठीक कहा। अपने काम से काम रखो, देर हो रही है। जैसा आप कहें। एक बात कहूं, बाहर में जाएं ये सब ट्रीटमेंट्स, वैसे भी इन सब से कोई फायदा नहीं हो रहा। कहीं और ले चलो मुझे। जैसे कहाँ पर? कहीं भी, जहाँ तुम चाहो। ठीक है, समझ गया। ये लो। थैंक्स। तो तुम मुझे लाए हो एक आउटडोर मूवी थिएटर, वो भी बारिश में। हाँ। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम जीनियस हो? क्यों? ओह, देखने में दिक्कत होगी है ना? एक मिनट रुको जरा, ये देखो, हो गया। वाओ। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। नहीं, अब तो बेहतर है पहले से। देखो वहाँ एक लड़का है जो दूसरे लड़के से बात कर रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? ओह, मैंने ये मूवी देखी हुई है, मुझे ये पसंद है। सच में? हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, ये एक लॉयर है और ये झूठ बोलता रहता है अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए। ये लड़का जिम कैरी, इसे इसकी झूठ बोलने की कला ने बना दिया एक बहुत बढ़िया लॉयर। और लेकिन साथ ही ये झूठ बोलता है, बहाने बनाता है अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ। और इसलिए अपने बर्थडे पर इसका बेटा विश मांगता है कि एक दिन के लिए इसके पापा बिल्कुल भी झूठ न बोले, बस सच ही बोले पूरा दिन। वेल, फिर आगे क्या? मैं सो गया था। असल में मैं बियर पी रहा था और फिल्म यहाँ पहुंची तो मुझे नींद आ गई। नींद खुली तो क्रेडिट चल रहे थे। ये बढ़िया था। मैं वादा करता हूँ कि हम इसे दोबारा देखेंगे साथ में। फिल्म बहुत मजेदार है। मेरे डैड कई लड़कों को घर में बुलाते रहते हैं, अपने दोस्तों के बेटों को या किसी और को। मुझे लगता है वो उन्हें पैसे देते हैं, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देती। उन्हें बस डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। घर चले प्लीज। Morning. Morning. हम वापस आ गए। वेट, सुबह हो गई। हाँ फाइनली। मेरी हेल्प करोगे? हाँ बिल्कुल। आराम से। हाँ नहीं नहीं नहीं, गई तुम्हारी नौकरी। ऐसा मजाक मत करो। नीचे उतारो मुझे। ठीक है तो तुम मजाक नहीं कर रही थी। मेरे डैड तुम्हें पैसे भिजवा देंगे। अरे क्या हुआ, मुझे बात तो बताओ। मुझे घर पर होना चाहिए इस वक्त। मुझे तैयार होना है डिनर पे जाने के लिए अपने फियांसे के साथ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओके हाँ बस अभी लाया। लड़का अच्छा है। क्या कोई बैठा है यहाँ पर? डस्टिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गीली है। क्लोई ये क्या कर रही हो? बहुत बढ़िया, गीली सीट पर बैठना मुझे बहुत पसंद है। मैं डस्टिन, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमने सच में अपनी पैंट मेरा नाम पूछने के लिए गीली की है? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। ओके हाय, दो मार्गरीटास वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ प्लीज। जो कच्चा कर लेते हो। कॉफी नहीं पियोगे? कब? इसी वक्त।